नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के दो टुकड़े किए, लेकिन अभी फिलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान क्या आयत है? सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूं। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूं, इदम नममे, मतलब आपके आगे झुक रहा हूं। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने, तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता एकदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुभान व तआला है। तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के दो टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली ये साबित हुआ कि ने चांद के दो टुकड़े हुए कहने। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजदा था जो अल्लाह ने किया, मौजदा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फलकियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर, कमर के दो टुकड़े किए थे, टुकड़े हो गए वापिस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता इंशाल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े दो हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूं, शायद। लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान, सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पुणे में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस, उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अजमी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। खूब ध्यान से क्वेश्चन। एक खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से यह सवाल किया कि डॉक्टर साहब, मेरी एक सहेली ने मुझे ये कहा है कि अगर आप ईमान ले आएं तो ही आप जन्नत उल फिरदौस में जा सकती हैं, अगर आप ईमान ना लाएं, अगर आप गैर मुस्लिम ही रहीं, तो आप हमेशा जहन्नुम की ही राह तकती रहेंगी, जबकि जन्नत में जाने का हक सिर्फ मुसलमानों के पास है, यानी जितने भी मुस्लिम हैं वो सब के सब जन्नत जाएंगे और तमाम गैर मुस्लिम लोग जहन्नुम में जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, मुझे आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्या जन्नत जाने के लिए मुसलमान होने का सर्टिफिकेट लाजमी है? क्या आप अपने आखिरत में आमाल की बुनियाद पर जज नहीं होते? हम लोग तो अपने कर्मों की बेस पे जज होंगे और फिर उसके मुताबिक हमारे से सुलूक किया जाएगा। तो ये जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं, यानी जिनका ताल्लुक क्रिश्चियनिटी से है या फिर किसी और मजहब से है, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे, तो इनके साथ क्या होगा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक संभाला और कहा कि मेरी बहन ने जो सवाल किया है इसके जवाब मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमान जो अमन हासिल कर ले, जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते के ऐन मुताबिक चले, अमली तौर पर सही मुसलमान हो, अमले साले करता रहे, जिस चीज़ों से रोका गया है, जो हराम चीज़ें हैं उनसे रोका रहे, जिन चीज़ों की इजाज़त है उन चीज़ों पर अमल करता रहे, तो
तो ऐसे मुसलमान बिला शुबा अल्लाह तबारक तआला के फजल करम और हुक्म से जन्नतुल फिरदौस में जरूर जाएंगे। लेकिन अमली तौर पर मुसलमान होने और जन्नत में जाने और अल्लाह ताला के नजदीक बख्शिश हासिल करने की चार बुनियादी शराइत अगर कोई पूरी नहीं करता तो जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। ये चार शराइत क्या है ये भी आपको बताता हूँ। इससे पहले कि मैं इन चार शराइत की जानिब जाऊँ, आपको मैं एक और चीज बता दूँ कि जिस तरीके से आप और मैं, हम लोगों ने मैट्रिक के इम्तिहान क्लियर किए हैं, मैं सेंट पीटर से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे मुझे पास करने थे 6 सब्जेक्ट्स। उन 6 सब्जेक्ट्स में से अगर एक भी सब्जेक्ट मैं कम जो है मार्क्स के साथ जो है वो अगर क्लियर करता या उसमें मेरे मार्क्स कम आते, मैं फेल हो जाता, तो यकीनन मैं आगे नहीं जा सकता था। इसी तरीके से ये चार शराइत जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इन चारों शराइत में आपने अच्छा स्कोर करना है तभी आप पास होंगे और आप जन्नत जाएंगे। अगर आपने 3 में 99% स्कोर कर लिया और 1 में सिर्फ 10% स्कोर किया तो फिर भी आपका जन्नत जाने का रास्ता रुक जाएगा। रुक जाएगा कि नहीं? जब बैंड से ये सवाल किया तो उसने कहा कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आपको पास करने हैं 4 सब्जेक्ट, 3 में आपके 99% मार्क्स हैं और 1 सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 10% हैं, तो यकीनन आप आगे तो नहीं जाएंगे, आप प्रमोट तो नहीं हो सकते, आप तो उसी क्लास में रहेंगे। तो ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी आप किसी भी हवाले से आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं जो मार्क्स वगैरह स्कोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ या जो मेरे पास डेटा आ रहा है इसके ऊपर मैंने गौर व फिक्र करना है, क्या मैं इन चारों शराइत पे पूरी उतर रही हूँ। पहली शर्त जो है, अच्छा ये चारों शराइत आई कहाँ से? ये अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में सूरह असर के अंदर इरशाद फरमाई, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्ला लजीन आमनु व आमिलु सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र, के जमाने की कसम इंसान खसारे में है, लेकिन साथ ही अल्लाह तबारक तआला की जात उन लोगों को भी खुशखबरी सुना देता है जो चार चीजों पर अमल कर रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या है? वो है ईमान। दूसरी चीज है आमाल, आमाल साले यानी कि अच्छे आमाल, बेहतर आमाल। तीसरी चीज है हक, हक पर कायम रहना, हक पर जो है वो अपने आप को बांधे रखना। और चौथी चीज है सब्र, यानी जिन लोगों ने हक का साथ दिया, जो लोग सब्र के साथ मुंसलिक रहे, जिन लोगों का जो है वो ईमान वो मुतजलजल नहीं हुआ, वो अपनी जगह पर कायम रहा, और जिन लोगों ने जो है वो अल्लाह तबारक तआला के फजल व करम से अमले सालेह किए, इन लोगों को अल्लाह तबारक तआला की जात जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो ये चीज आपको जो है वो पता होनी चाहिए, चारों चीजों में से अगर एक भी चीज जो है वो कम हुई तो आपका जन्नत जाना कैंसिल हो जाएगा, आप जन्नत नहीं जा सकते। तो आप अगर कंपैरिजन करना शुरू कर दें इन चारों चीजों का तो आपको पता लग जाएगा कि हर चीज की इंपॉर्टेंस अपनी जगह मौजूद है, कायम है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट हो या ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हर चीज की अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है और इसका ख्याल रखना बड़ा अहम, बड़ा जरूरी है। नाम का मुसलमान जो होता है वो जन्नत नहीं जाता। मुसलमान होने के लिए आपको आमाल के साथ भी जो है वो एज ए मुस्लिम अपने आप को शो करवाना होता है, तभी आपकी बख्शिश जो है वो हो पाती है। यकीनन आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा।